नमस्कार सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में इस वक्त हमारे साथ देख ही सकते हैं हमारे साथ एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट लोडा जी है और मैं बता देना चाहती हूँ हमारे साथ ये क्यों है कई लोग वॉलंट्रली सपोर्ट करने के लिए वेलविजर जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो जंतर दिल्ली में जो कंट्री का जो कैपिटल है वहां पे जो धरना कर रहे हैं उनको वॉल्टली जाकर जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं में से एक वो है एस है जो हाल ही में वो गए थे और अभी हाल ही में ईटानगर वापस आए तो उनसे हम मिलेंगे और सीधा अपडेट जानेंगे और साथ ही साथ कुछ और मुद्दे हैं उनसे हम जानेंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में एस और आ, आप हाल ही में ही आप दिल्ली गए हैं वहां पे आपने जो धरना प्रदर्शन कर रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के द्वारा आप वहाँ पे अटेंड किया तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या वहां पे आपने देखा उनसे क्या क्या बातें हुई गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ कंटेक्ट हुआ नहीं हुआ अगर आप कुछ दैट कि आई एम फाद ऑफ दी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन और समथिंग लाइक दैट बट आई एंड आई लाइक टू मेक माय स्टैंड क्लियर ए सी rather i am a well-wisher or supporters or you know i extended solidarity to the arunachal against corruption because you know even from all uh, any people any you know Agar uh, uh, if uh, you know somebody is raising voice against the corruption in the state you know uh, i being uh, you know uh, one of the you know uh, uh, indigenous people of the state should obviously there for them because uh, uh, corruption

Uh, मैंने सोचा कि नहीं हमको जाना चाहिए एंड पीपल माइट बी वेरी मिस अंडरस्टूड मी दैट की आई माइट बी स्पॉन्सर बाई सम ऐसे भी गवर्नमेंट बोल ही रहा है कि इट इस पोलिटिकल मोटिवेटेड एंड ऑल बट आई डिडेंट फाइंड एनी लाइक एनी थिंग लाइक दैट है कि नहीं वी 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 वैंट टू दिल्ली बाई अवर सेल्फ है कि नहीं एंड वी स्टे इन भावन एंड हाउस एंड समील्स ओनली

कुछ कॉन्टेक्ट हुआ नहीं हुआ आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अगर आपको पता है तो जी एक्चुअली uh, उसका एएसी टीम यू नो दे सिट फॉर तारना इन द स्टेट फॉर ट्वेंटी और और सम वन मंथ समथिंग आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आफ्टर दे दे डिसाइड दैट टू यू नो मार्च टू द दिल्ली दैट टू इन द फूट तो तो वहाँ पे वो लोग गया और यूपी में वो लोगों को अननेसेसरी एक बंदा से हेरासमेंट मिलता है देन वो लोग को हेल्थ खराब होने की वजह से वो लोग अपना एम्बुलेंस में गए और दिल्ली में बैठ गए देयर uh, वाज uh, uh, हमको ऐसे नहीं लगा है कि कोई गवर्नमेंट का तरफ से इनविटेशन है ऐसे नहीं लगा बट देन दे आर यू नो अकॉर्डिंग टू देम हैव अप्लाइड फॉर द अपॉइंटमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू सबमिट द मेमोरेंडम तो uh, तो वहाँ पे वो लोगों का जो uh, जो इशू को रेज करने का वो जेन्यून बिकॉज़ आई एस ए लॉयर आई आई ओन सपोर्ट डैम ब्लाइंडली आई हैव गोन थ्रू द डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ बीन अवेलेबल विद डैम आई पेरूस ऑल द ईच एंड एवरी पेजेस एंड आई फाइन दियर इज ए जेन्यूनिटी इन ईच एंड एवरी पेजेस एंड द करप्शन दैट दैट इज बींग एलाइज बाई डैम तो वो तो हम देखा है तो हमको लगा है कि नहीं हमको जाना है और वहाँ में और और ना है और इसलिए हमको ऐसे नहीं लगा है कि आ, हम वहाँ जा के गलती हुआ ना ऐसे कभी भी हम ऐसे रियलाइज नहीं होगा क्योंकि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड जिसको हम साथ देता है देता है ऐसे ए वेल विशर एज ए इंडिजिनस पीपल ऑफ़ द स्टेट वो हम देता है अभी तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसे भुलावा कभी नहीं आएगा इवन यू नो देयर वाज नो एनी कवरेज फ्रॉम द नेशनल मीडिया मेरा वहाँ आने का बात एक नेशनल मीडिया में मैंने इंटरव्यू दिया था तब तभी फर्स्ट टाइम वहाँ पे नेशनल मीडिया का एंट्री हुआ एंड आई आई वु लाइक टू एक्सटेंड माय यू नो डीपेस्ट यू नो रिस्पेक्ट टू द मीडिया नेशनल मीडिया हु कवर द एएसी अदरना और आप दिल्ली जाने से पहले हमने आपके साथ में वन ऑन वन इंटरव्यू लिया था जहाँ पे हमने मेंशन किया था जो शख्सियत है अखिलेश प्रताप यादव उनके तरफ से जो एब्यूजिव हेरासमेंट एब्यूज हेरासमेंट किया गया था तब तो को शीतल तो मैडम के अगेंस्ट में तो वुमेन कमीशन के रिएक्शन पे उस समय तक तो आपने जैसे कहा था कि कंप्लेन नहीं आया इसलिए कंप्लेन रिसीव नहीं किया लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हाल ही में ही ग्रुप ऑफ वुमेन्स की तरफ से रैली ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे और साथ ही साथ Complain भी किया गया है की तरफ से अभी तक लेकिन कोई अपडेट नहीं हमने भी कोशिश की थी से अपडेट ले इसको लेकर हमने फोन कॉल किया उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया है. तो है उनको कम्प्लेन फाइल कर चुका है तो आपको क्या कहना होगा इसको लेकर अभी तक वुमेन कमीशन की तरफ से नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ गवर्नमेंट रन इन आवर स्टेट we have you know a lot of autonomous organization we should be speak we should be spoken for the uh, women if woman is subject to the any kind of harassment and all so uh, yes i have given you a uh, interview and during that interview also i condemned the uh, you know uh, role of the women commission because women commission was at that moment very silent so i'm because वोमेन कमीशन को ये नहीं देखना है कि कंप्लेन कोई लॉज हुआ नहीं हुआ ये 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 नहीं होना चाहिए एंड दे कैन यू नो टेक अप द केस ऑन सो मोटो ऑल्सो अगर किसी को लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी वीमेन का साथ में कोई जैती होता है कोई प्रकार का हैरेसमेंट होता है मेंटल क्रोयल्टी फिजिकल क्रोयल्टी या कोई भी प्रकार का इनजस्टिस होता है So they should come forward because you will find lots of, you know, women and most of women, they won't lose any complaint. Uh, but it is the duty of women commission to go to the doorsteps of those, you know, uh, women who is subject to harassment and, you know, uh, some mental torture. because that is their duty. Otherwise, to, what is the meaning of formation of women commission in the state of Varunachal Pradesh if they cannot look into the matter relating to the women in the state? नहीं तो वही हम समझ में नहीं आता है कि हाउ दिस वोमेन कॉमीशन यू नो डिस्चार्जिंग दियर फंक्शन पावर्स ना हमको समझ में नहीं आता है दे यू नो रिडिकुलस एक स्टेटमेंट देता है कि दे डिडेंट रिसीव एनी कंप्लेन फ्रॉम द एफेक्टेड वीमेन वाई यू आर वेटिंग फॉर द कम्पलेन यू शुड जम इन टू द केस ऑन सो मोटर बेसिस है कि नहीं बिकॉज प्रोविजन इज क्लियर क्लियरली डिफाइन वहां पे दिया हुआ है आप कोई भी शो मो तो कर सकता है आपको अगर लगता है कि इज ए प्रीमा फेसिया इन द केस एंड अभी तक देखो उसका कम्प्लेन भी कहाँ है क्या है पता नहीं है हैथिंग नो आप दे नथिंग नो एनी यू नो क्या बोलता है उसको अभी तक कुछ उजगार भी नहीं हुआ एक्सपोज भी नहीं हुआ एंड अखिलेश प्रताप सिंह को अभी तक लाया नहीं है कि नहीं ये ये बहुत अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली वोमेन कमीशन शुड इशू एंड सब नोटिस टू दी अखिलेश प्रताप सिंह Uh, इसका मतलब वो नहीं है कि उसको uh, जेल में रखना ऐसे नहीं है एक्चुअली पूछ सकता है ना कि आपने इस uh, आपने ऐसे क्यों बोला व्हाई यू हैव यू नो हैरेस द यू नो वुमेन ऑन द फूड मार्च टू द दिल्ली अभी जैसे आपने बात उठाया ही है तो अभी आपको भी पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस और स्पेशली वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर की तरफ से एक समन गया है तो को शीतल मैडम के अगेंस्ट में Uh, उन्हें इलेवेंथ uh, अक्टूबर को उन्हें हाजिरी देने के लिए ऐसे सोशल मीडिया में भी चल रहा है इसको लेकर भी हमने uh, कोशिश की थी कि हम ऑथराई उत्राइ, जो ऑथोराइज uh, उनसे बात करें ऑथोरिटी से बात करें ऑन कैमरा तो एस uh, पी सर ने हमें बात नहीं की लेकिन हमने सवाल रखा था जब अखिलेश प्रताप सिंह जिसके अगेंस्ट में काफ़ी एफ आई हुआ पूरे अरुणाचल प्रदेश में और ईटानगर में भी कई एफ आई लोज किया गया था और साथ ही साथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के तार तहार उनके अगेंस्ट भी काफ़ी था उनके उनको समान क्यों नहीं दिया गया उनको लेकर क्या अपडेट है हमने पूछा था तो उनके तरफ से कहा गया था कि अखिलेश प्रताप सिंह के लिए जो

सामन को हम भी एक्चुअली सोशल मीडिया में देखने मिला है हमको थोड़ा अजीब लगा वेरी रिड्यूकुलिस इट इज नथिंग लाइक दैट की ये एक्यूज को देना है ऐसे तो नहीं था क्लियरली वहां पर बोला है कि विटनेस को अपियरेंस के लिए पोलिस ऑफिसर बुला सकता है आई डो नॉट अंडरस्टैंड वेदर दिटल इज विस दूस अगर एक्यूज है तो कौन सा कंप्लेन में किस कंप्लेन में वो लोग एक्यूज है वो तो पुलिस है यू नो द पब्लिक अंडर अंडर व्हाट ग्राउंड ऑन व्हाट ग्राउंड एंड यू नो ये जो है ऐसे 160 में जब देता है तो मेरा ख्याल से डिटेल ऑफ उफ ऑफेंस को भी उसमें एनेक्स कर देना चाहिए था यू हैव बिन चर्ज अंडर दिस दिस ऑफेंस सो यू आर रिक्वायर टू अपियर बिफोर द पोलिश फॉर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज लेकिन हमको ऐसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक तो सिंपल सा एक वन सिक्सटी में एक जो सामोन है वो चल रहा है आई डो नॉट अंडरस्टैंड इफ यू नो दी इज नो एक अदर अल्टर प्रोसीजर ऑल्सो वी आर ही कैन भी समोन बाई द पोलिस अंडर सेक्शन फोर्टी वन एफ दी आर पी सी तो हम टू एक्चुअली बोलने से आई एम नॉट क्लियर विद दिस सामोन एंड ऑल Because uh, I'm confused. Uh, exactly what police wanted to do with the Settle. I do not understand. And it is very, very ridiculous that the complaint has been series of and various. You know, several complaint has been lodged against the Achilles Pratap Singh. And again, you know, uh, as you have, you are telling me that the police has stated that the zero FR has been transferred to the uh, concerned PS uh, UP. तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि अब जीरो एफ क्यों ये तो ऑफेंस सोशल मीडिया में हुआ है ट्रोलिंग हुआ है वो वो बोल रहा है किसी को मेंटली हेरेस कर रहा है ऑफेंस इज बिंग मीडिया प्लेटफॉर्म सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई जरूरीशन इशू नहीं होता है होता है इट कैन बी रजिस्टर आइदर इन यूपी और द इटानगर एंड और बेटर ये होगा कि वो यहाँ रजिस्टर करे बिकॉज यहाँ पे आम जनता को अफेक्ट हुआ है उसका गाली का वजह से उसका अन्य अननेसरी हेरेसमेंट का वजह से और अरुणाचल का बारे में उल्टा सिद्धा कमेंट करने का वजह से तो अरुणाचल का इन uh, जनरल में इफेक्ट हुआ है सो ही शुड बी ब्रॉड टू दी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट जीरो एफआईआर आई डू नॉट अंडरस्टैंड अगेन ये तो था जो तो को शीतल को लेकर बातें हुई लेकिन हाल ही में आप आपने देखा होगा जो यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू के तरफ से भी हमारे मीडिया चैनल में उन्होंने स्टेट किया था मतलब स्टेटमेंट दिया था कि ये लोकल इशू है उस पर हमें नहीं बोलना चाहिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इसको कहना था जिसके चलते आपकी तरफ से काफ़ी एक मीडिया में आपने काफ़ी कहा कि आप किरण रिजिजू को नहीं जानते हैं तो ये हम एग्जैक्टली exactly जानना चाहेंगे कि ये क्यों हुआ ये क्या किस लिए आपने कहा नहीं किरण रिजू का स्टेटमेंट बाद में आया पहले तो हम स्टेटमेंट दिया था वेन मीडिया यू नो मी देन आई आई यू यू नो नो आक्समी फॉरवर्ड मैंने जवाब दे दिया कि आई डू नॉट नो हु इज किरण रिजू आई डू नॉट नो इसका एक्चुअली इसका टर्म्स को जानना चाहिए पब्लिक भी कि उसको हम नहीं जानता है बोलने का क्या बैकग्राउंड है और क्या मीनिंग है ना लेट मी गो टू दी यू नो लेट मी टेक यू ऑल इन दर टू थाउजेंड नाइन वेन ही वॉज कंटेस्टेड इन द एम इलेक्शन है कि नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद था थाउजेंड 2009 में तब क्या था कि दिस यू नो गवर्नमेंट वाज लीड बाई दर्जी कान्डू दर्जी कांदू चीफ मिनिस्टर कांग्रेस सरकार था उसमें तो उस वक्त क्या है कि हमारा जो कम्युनिटी का लोग है इवन आंसू कैन नॉट डिनाई इवन द ने कैन नॉट डिनाई कि सब का सब हमारा पूरा लोग एकजुट हो के किरण को किरण का खिलाफ में मूवमेंट हो रहा था बट उस समय में हम लोग सोचा है कि नो पॉलिटिक्सान गवर्नमेंट कॉलेज एंड हैड मीटिंग एट पंजाबी धाबा वी डिस्कस थोरोली एंड मीटिंग विद किरण रिजिजू तो वहां पे उसका हम लोग बाबू को हम लोग देखा है ना वो किस तरह बाबू हुआ हम लोग को देख के है कि नहीं तो ऐसे होने के बाद में अगेन इन द टू थाउजेंड फोर्टीन हम लोग उसको साथ दिया हम लोग उसको मिला भी नहीं है हम लोग एक रुपया भी नहीं लिया है अगर हम लोग को दिया है तो वो बोलो मीडिया में बोलो कि हम लोग को दिया है तुमको देख के साथ देने दिया है नो इट्स नॉट लाइक दैट यूट जो है किरण को यूथ जो है किरण का अंदर में एक किरण देखा है एक उम्मीद देखा है यूथ जगने लगा था उस वक्त कि आज पहली बार ऐसे एक नेता आया है जो अरुणाचल का बारे में इतना सोचता है क्योंकि उसका जो मैनिफेस्टो ही था कि अरुणाचल को नंबर वन स्टेट बनाने के लिए तो कौन नंबर वन स्टेट बनने देना नहीं चाहता है सभी लोग चाहेगा है कि नहीं अगर हमारा अरुणाचल नंबर वन स्टेट बनेगा तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना बहुत खुशहाली के बाद है तो हम लोग ऐसे सोच के हम लोग यूड लोग ने कुछ यूड लोग ने हम लोग ईटानगर का पूरा एरिया में हम लोग पूरा स्कैटर होके हम लोगों ने उसके लिए कैंपेनिंग किया है कि नहीं वोटिंग भी किया तो हम लोग इतना साथ देने का बाद में अचानक से ये तो गायब हो गया ना किरण रिजिजू जो कभी कभी हम लोग देखे नहीं है कभी मिले नहीं है उसको कभी सुना नहीं है इस तरह का इशू में बोलते हुए स्तर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका क्षेत्र जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का यूथ जो किस दिशा में बढ़ रहा है आगे आगे बढ़ रहा है ना पीछे हो रहा है और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री का कंस्टिट्यूंसी का लोगों को क्या एक तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है कभी वो पूछा नहीं ना इसलिए हम बोल दिया कि हम उसको नहीं जानता है इसका मतलब यह नहीं कि हम किरण को पर्सनली नहीं जानते हम जानता है उसको लेकिन जिसको हमने दो बार वोट मार के उसको भेजा है पार्लियामेंट में दो तीन बार मार के वो आदमी जब हमारा लिए बोलना छोड़ देगा तो हम उसको दूनेगा ना वो कहाँ चला गया उसको देखा नहीं कभी तभी हम मीडिया को जवाब दे दिया कि हम जानता ही नहीं इसको नहीं होना है हम उसका बाबू होते हुए देखा है है कि नहीं जब सारा स्टेट उसका खिलाफ था यूड लोग उसका आगे आके उसको वोट मारा है बट किस्मती से उसमें वो हर गया अनल सात सौ वोट समथिंग लाइक वो काउंटिंग में भी हम लोग था इलेक्शन निर्वाचन भवन का सामने में इतना उसके लिए चेहरा कर रहा था तो ये हम ये नहीं बोल रहे कि हमको कुछ नहीं दिया इसलिए हम नाराज है ऐसे नहीं है हम उसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता है हम उसका पास कभी गए भी नहीं है कि नहीं कुछ मांगा भी नहीं है आज तक उसको कभी करीब से मिला भी नहीं है कैंपेन का अलावा है कि नहीं तो हम क्या समाज के लिए हम बात करता है और समाज के लिए हमने वोट दिया तो वो समाज को आज आप ये बोल के किनारा कर रहा है कि ये लोकल इशू में हम लोग बात ही नहीं करता है लोकल मीन्स क्या अब जिस जगह से चुन के आया वो लोकल आपका तो बात है अब उसी जगह से आपका लोगों ने वो जो क्षेत्र वेस्टर्न पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्रीटी उसी जगह से आपको चुन के आया आज उसको बोल रहा है कि नहीं लोकल इशू में बात नहीं करेगा आप कहा से चुन के आया तो ये तो बता ही है तो डेमोक्रेसी में क्लियर है फॉर द पीपल पहले तो बाई द पीपल होता है आपको जनता का द्वारा चुना चुना जाता है बाद में अब जनता के लिए काम करना करना चाहिए अब अभी ये बोल के बैठ गया कि नहीं ये लोकल इशू है हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है और इसमें हम ज्यादा इंटरवेंशन भी नहीं करेंगे ये लोकल इशू थोड़ी है ये आपका ही तो इशू है क्योंकि आपका क्षेत्र में है आपका अरुणाचल में है अब यहां से चुने वाला एक एम है आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा सारा कंत्री बचा हुआ है इसलिए वहां का इशू को हम इतना इंटरवेंशन नहीं करेगा दिस इज अ वेरी वेरी रिड्यूकल स्टेटमेंट फ्रॉम किरण रिजिजू अगेन इसके बाद में ये गे एक जिम्मेदारी वाला बयान है इ स्टेटमेंट है हम लोग उसको ऐसे मानता है ये गलत था ये ऐसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए था हाँ बोल सकता था ऐसे कुछ अलग मैंने मैंने वो अपना बात को लेके कि जी मैं मैं इसमें देखूंगा है कि नहीं मेरा इस स्टेन में क्या हो रहा है मैं इसको देखूंगा ऐसे बोलने से भी तो हो जाना था वो ऐसे बोल देता कि लोकल इशू को हम क्यों देखे अरे लोकल इशू मीनस क्या अब वो जगह का ये जगह का है आपका आपको यहाँ का नेता लोगों ने चुना है और उसको आप ऐसे बोल के किनारा कर देगा कि ये लोकल इशू है हमको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है और उसमें और एक बात बोला है किरण रिजिजू का सर का हम सुना है उन्होंने बोला कि प्रूफ लाओ ना प्रूफ लाइए तो प्रूफ तो हम देखा है आई द यू नो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम आई फाइंड जेन्यूनिटी इन एवरी पेजेस हमको लगा है उसे और बड़ा इविडेंस क्या होगा आप उसको एविडेंस नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा तब तो है कि नहीं वहां पे जैसे कि कैरियर

डायरेक्शन देना चाहिए यार बीजेपी स्टेट में कैसे चल रहा है इट इज योर ड्यूटी बिकॉज यू आर इन द सेंट्रल सेंट्रल टीम एंड यू हैव राइट टू इंटरफेयर इन द यू नो स्टेट स्टेट मैटर अब इंटरफेयर कर सकता है आप क्षेत्र में क्या हो रहा है अब नहीं तो क्या होगा कि अब वहां से सेंक्शन भेजेगा ना या मित्री से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा होगा तो आपका वहां से सेंक्शन भेजने का क्या मीनिंग है, है कि नहीं आपको अकाउंटेबल होना चाहिए जी। उनके उनके तरफ से कहा जाता है जब भी वो मीडिया में आते हैं भले वो लोकल मीडिया कह लीजिए या फिर नेशनल मीडिया में वो बताते हैं वो सेंट्रल में रह के स्टेट के लिए उन्होंने क्या लाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन वो काउंट करके बताते हैं तो जैसे आपने कहा कि आ, भले वो अभी सेंट्रल में है लेकिन वोटिंग तो यहाँ के लोकल लोग ही देंगे और कई लोग जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं जो पब्लिक है वो भी कई नाराज थे उनसे कि उनका भी वही कहना था कि अभी आप ये जो मुद्दा है इसे लोकल इशू कहकर आप साइडलाइन हो रहे हैं okay. लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आप वो लोकल वोट से ही आप बन आप जीते हो और वहीं से आप एम पी बनकर अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट वोट मांगने के लिए जिस जिस लोगों को तुमने ये लोकल इशू बोल के चोर दे रहा है ना 2000 जो 2000 के किया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में आप लोकल इशू है बोल के आप दिल्ली से कैंपेन करो तब तू यहाँ क्योंकि ऐसे बोलिए क्योंकि लोकल चीज है तू लोकल में वोटिंग हो रहा है आपको कोई उसमें इशू नहीं होना चाहिए अब अब क्या बोल दिया हम तो समझा ही नहीं है अब इसको इसलिए आपका स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए ये लोकल इशू शब्द कह के आपने सारा आपको आपका ऊपर में जो उम्मीद था वो पूरा जनता को आपने हर्ट किया है नाउ यू शुड विद्रो स्टेटमेंट हाउ इट कैन बी लोकल इशू इट इज हैपनिंग इन योर एंड यू आर सेइंग है इट इज इशू आई हैव नो रोल अरे अब हम हम इसलिए तो हम नहीं जानता है आप कौन सा जगह का एमपी है अभी हम बार बार बोल रहे हैं हम फिर से हम बोलेगा हम नहीं जानते क्योंकि अब जब लोकल इशू का बारे में आपको मालूम नहीं है आपका क्षेत्र का, का इशू का बारे में आप मालूम नहीं है तब तो तू हम भी आपको मालूम नहीं है आप कौन सा एमपी है कहाँ का एमपी है कौन लोग आपको वोट मराता होगा हम मालूम नहीं है मरा तो हम लोग भी था जैसे लगा है लेकिन आप खुद अभी बोल रहे हैं कि नहीं ये लोकल इशू है तो लोकल इशू है जैसे ही बोलता है तो अब यहाँ का एमपी नहीं है तो यहाँ का एम पी नहीं है तो असली में भी हम आपको नहीं जानेगा जानता ही नहीं है क्या करेगा तो जान के आपस में है कि नहीं, ही नहीं। Oh yeah. जो अब रेक्टिफाई की बात कर रहे थे उन्होंने कुछ मीडिया चैनल के थ्रू से उन्होंने बात रखा था कि नहीं लेकिन उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन किया गया था कि वो कहना वो नहीं चाहते थे लोग गलत समझ रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि, कि कितना हद तक क्योंकि जो जनता अरुणाचल में है अभी बहुत जागरूक जनता है और सभी जानते हैं और सोशलाइज्ड है तो आपको क्या लगता है जो क्लेरिफिकेशन जो किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर है और अरुणाचल प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उनका स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें आपको क्या कहना है नहीं इसलिए हम बोलते हैं एक रिस्पॉन्सिबल चेयर में जब होता है तो आदमी रिस्पॉन्सिबल वाला बात करना है चाहिए हम लोग मर्द है ना है कि नहीं जहाँ तहा भी नहीं बोलना चाहिए अभी आप बोलने का बाद में आप क्लियरिफिकेशन देके क्या करेगा है कि नहीं हम लोग मर्द है नहीं मर्द का क्या होता है जुबान को लगाम दो वक्त पर बोलो बारी पड़ेगा तो अब अभी लोकल इशू को बोल के अभी जब पब्लिक ट्रोल होना शुरू किया तो आप उसको फिर क्या क्या क्लरिफिकेशन एक्चुअल में बोलने जाने में हमारा किरण रिजिजू सर का शब्द ही नहीं था इसलिए वो ऐसे जहां तहां से शब्द लेके आके बोला है एक्चुअली में बोलने जाने में जब उसको मीडिया ने पूछा कि किसी टीम जो यहाँ आया है आपका क्या राय है बोलने से आप बोलना चाहिए तो हम उसको मिलेगा हम उसका दुख तकलीफ को सुनेगा है कि नहीं क्या है क्या नहीं है हम ये नहीं बोल रहा है कि सोल्यूशन लाएगा लेकिन हम सुनेगा क्योंकि नेता जो है जनता का बात को सुनने के लिए ना रिस्पॉन्सिबल चेयर में होता है तो अदरवाइज सुनने के लिए भी नहीं है कुछ भी नहीं सुनेगा बोलने से तो डेमोक्रेसी का फ्लेवर ही खत्म हो जाता है ना नेता का जनता का बात को नेता नहीं सुनेगा बोलने से तो डेमोक्रेसी का फ्लेवर इ ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है, है कि नहीं फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाई द पीपल वाला खत्म हो जाता है अब तो ऐसे बोल दिया कि आपको बाई दीपल को आप मालूम ही नहीं है यू हैव नॉट बीन चोजन बाई दीपल ऑफ दू आर से आप कैसे बोल देगा शब्द नहीं था होगा इसलिए वो लोकल कुछ ऐसे आदमी का पास शब्द नहीं होता है तो कुछ कुछ बातें ऐसे निकलने लगते है वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑब्वियसली यू आर अवर मिनिस्टर्स नरुणाचल का सिर्फ नहीं भारत वर्ष का मिनिस्टर्स है और अरुणाचल से आप पहले बार मंत्रिमंडल में है आपको हम लोग रिस्पेक्ट करता है है कि नहीं रिस्पेक्ट करता है और हम लोग आपका ये बात को भी हम लोग माफ कर देंगे कोई इशू नहीं है, है कि नहीं आप जैसे तो हम लोग नहीं है ना हम लोग तो बड़ा दिल का लोग है आप जैसे चौथा दिल बुक के आप लोकल इशू को मालूम नहीं है ए सी टीम को हम सुना नहीं है अब कैसे नहीं सुनेगा दो हजार पांच सौ किलोमीटर को फूड मार्च करने वाला को मीडिया में आप नहीं देखा है क्या कभी आप बोलता है कि नहीं आए मालूम भी नहीं हुआ है 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 कि कि नहीं और इतना सिंपल में बोलता है कि, आ, हम सुनाता इसे कहीं कहीं से हमको इसे इतना मालूम नहीं इतना इरिस्पॉन्सिबल एक तो स्टेटमेंट देता है इसलिए हमारा नेता लोगों को ट्रोल करना पड़ता है क्योंकि नेता लोग हमारा यहाँ अरुणाचल में ज्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबल चेयर लेके बैठे हुए हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल वाला स्टेटमेंट कभी भी नहीं देता है इ रिस्पॉन्सिबल वाला स्टेटमेंट दे दिया जाता है गैर जिम्मेदारी है कि नहीं गैर संवैधानिक वाला जैसे कि हमारा मुख्यमंत्री बोलता है कि कौन सा कानून जनता को ओपन चैलेंज करता है कौन सा कानून में लिखा है हमारा फैमिली लोग काम नहीं कर सकता है एगेन उसका मिनिस्टर इर्द गिर्द के और वो खुद भी बोलता है कि कुछ भी अगर गिला सकवाए तो कोर्ट में जाओ दिस ऑल आर इसिबल स्टेटमेंट ये गैर गैर जिम्मेदारी वाला बयान है ये नेता को कभी भी नहीं करना चाहिए हम सजेस्ट कर रहा है हम किसी को एडवाइस देने का मेरा कोई वो नहीं है हम वो लोग से बड़े नहीं है बट इट इज माई सजेशन है कि नहीं एंड दे शुड यू नो टेक इन टू अकाउंट बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यूर दियर पोलिटिकल लाइफ पोलिटिकल करियर जैसे अभी आपने भी कहा और सभी जनता जानते हैं कि जितने भी ब्रीफिंग ए टीम की तरफ से दिल्ली में किया जा रहा है वहां भी क्लियर कट है उनके तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव रखा है इवन आ, जो किरण रिजिजू के ऑफिस में भी रखा है लेकिन अभी तक बुलाया नहीं गया वेयर हम भी कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर उनका भी जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक करते हैं एक और वो कहते हैं कि प्रूफ है तो लाओ हम देखेंगे लेकिन एक और उनके तरफ से ही इनवाइट नहीं किया जाता है या फिर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है जो टीम जंतर मंतर में बैठे हैं हैं अभी लगातार चार दिनों से वो धरना धरना पीसफुल कर रहे पे तो हम भी सवाल रखना चाहेंगे किरण सर से जब एक और आप कहते हैं कि प्रूफ लाइए जब उनके पास आ, प्रूफ विद डॉक्यूमेंट्स उनके पास है तो क्यों बुलाया नहीं जा रहा वो काफी बड़ा सवाल रहेगा किरण रिजिजू सर से और साथ ही साथ सर हम भी याद दिलाना चाहेंगे कि आप पहले पहले अरुणाचल प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव है, है क्योंकि आप यहीं से चुन के गए हैं वहां पे और एस जी क्योंकि हम आप आपसे इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि आप हाल ही में गए थे और आपने बताया कि स्टेटस क्या अभी तक कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं दिया गया इस तरह की कहना है और जो स्टेटमेंट आपकी तरफ से जो आई डोट नॉट नो किरण रिजू जो आपने कहा था उसका भी आपने आप, ब्रीफली आपने बताया कि कारण क्या था तो हम आपसे अभी जाते जाते ये जानना चाहेंगे क्योंकि जो ए टीम का जो इनिशिएटिव है जो अगेंस्ट करप्शन उन्होंने शुरू किया था मुद्दे कई थे उन्हीं में से जैसे जिसे अभी आपने कहा कि पहले जब हमने इंटरव्यू लिया था तब कहता सी एम भी कह रहे हैं नोटंकी है पोलिटिकलाइज है इस तरह के कहना है लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो जनता का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है और हमारे जो जन जो स्टेट की जनता है वो भी अभी काफी जागरूक हो गए सोशली वो काफी एबल्ड है अभी जानते हैं कि क्या है नहीं है तो अभी आपकी तरफ से क्या स्टेटमेंट या फिर आप अपील या मैसेज रखना चाहेंगे यहाँ के जनता को या फिर क्लियरली हमारे स्टेट गवर्नमेंट को क्योंकि खबर मिली है कि अभी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और उनके कुछ कैबिनेट मिनिस्टर अभी दिल्ली में है तो दिल्ली में तो ऑलरेडी हमारे जो एज टीम के जो स्टेट से जाके वहाँ पे धरना कर आई गेस अरुणाचल प्रदेश का सबसे सब पहला एक फोरम होगा या फिर एक एसोसिएशन होगा जो लगातार चार दिनों से वहाँ पे जंतर मंतर में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कुछ कहना होगा को, बार बार कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन चेयर में है तो इ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए गैर जिम्मेदारी वाला बयान ना हमेशा हम लोग एक जिम्मेदारी का साथ में बयानबाजी भी करना चाहिए हम देखिए हम एक नागरिक है हम एक आम नागरिक है लेकिन भी हम लोग सोच समझ के बयान देता है कि हमारा बयान से किसी को क्या होगा लेकिन सच्चाई को हमेशा बोलते रहना चाहिए और मैं पब्लिक को यही कहूंगा कि देखिए समाज में अगर सब लोग साइलेंट बैठेगा तो समाज बहुत पीछे रह जाएंगे अब लोग कभी भी ये नहीं सोचना है कि आ, समाज में ये लोग ऐसे बोलते रहता है ऐसे बोलते रहता है हम समझ रहे हैं आप लोग पेमा कांडू का नाम लेने से किरण रिजिजू का नाम लेने से या कोई भी आप लोग का मंत्रीगण का नाम लेने से आप लोग को हर्ड होता है क्यों होता है बोलने से यू आर इन डायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिशरीज और आप लोग उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व है समवेयर डाउन द लाइन यू ऑल्सो आर इन्वॉल्व इसलिए आपको थोड़ा हर्ड लगता है और आपको थोड़ा कफा होता है बट देन यू नो आज आ, समय समय बदलता है लोग भी बदलते हैं इर्द गिर्द के लोग भी बदलते हैं मंत्रीगण बदल जाएंगे उस वक्त आप जब आ, हम आ, लोगों का जो आम जनता का स्टेज में होगा हालत नहीं होके बेबस होके गुजर रहा होगा उस वक्त आप सोचेंगे कि नहीं आ, जो ए ए सी टीम ने जो मुद्दा उठाया वो जेन्यून था उसको हम साथ नहीं देखें बहुत गलती किया बट उसमें बहुत देर हो जाएंगे समाज ऐसे नहीं चलता है देयर शुड बी ए करेक्शन है कि नहीं देयर शुड शुद बी करेक्शन फ्रॉम द पीपल ऑल्सो एंडशल you know, जनता के लिए हमेशा काम करने के लिए सोचना चाहिए ना कि अपने लिए अपने लिए तो क्या पेमेंट मिलता है, है, नहीं? आपको, आपको दिया जाता है आपका टेलीफोन फ्री होता है आपका किचन का पूरा खर्चा गवर्नमेंट जिम्मा लिया हुआ है आपको बंगला दिया जाता है आपका क्या करने के लिए आपका चाइल्ड का एजुकेशन को दिया जाता है, है कि नहीं एजुकेशन का जिम्मा गवर्नमेंट दिया जाता है तो आपको करना किसको है आपको आपको जनता के लिए सेवा करना चाहिए आपको गाड़ी दिया जाता है आपको पेट्रोल दिया जाता है मंथ का और भी बहुत सा खर्चा जो अनसीन एक्सपेंडिचर है कंटेजेंसी फंड है आपका पास ही तो है इतना होने का बावजूद भी इतना फैसिलिटी मिलने का बाद भी अब अगर जनता को सेवा नहीं करेगा सिर्फ एक शब्द से संतुष्ट करने के लिए कोशिश करेगा कि कोर्ट जाओ हा? ये लोकल इशू है क्या आपको जो फैसिलिटी मिल रहा है क्या जनता को आप ये बयान देने के लिए फैसिलिटी मिलता है क्या हम ये सवाल करता हूं और जनता को भी हम बोल रहे हैं देखिए समाज में जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग चुप होता है हम लोग बोल सकना पड़ेगा कोई ना कुछ आवाज तो देना पड़ेगा ये एक डेमोक्रेसी का एक इसेंस है कि जनता के पास में पावर होता है है कि नहीं जनता को आवाज देने का अधिकार है अगर उसमें दबा दे दबाने का जैसे कोशिश करता है जैसे कि शीतल शीतल दीदी लोग को शीतल मैडम लोगो वहां से पुलिस का तरफ से समोन आता है ये अनफॉर्चुनेट है डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता है वी आर लिविंग इन अ वेलफेयर स्टेट वी आर नॉट लिविंग इन अ पोलिस स्टेट पोलिस का बल बूते पर प्रशासन का बल बूते पर सरकार का मशीनरी को यूज करते हुए किसी आम जनता को दबाने के लिए कोशिश करेगा ये हम लोग जो हम लोग इंटेलेक्चुअल तो नहीं बोल देगा फिर उसमें भी आदमी लोग गलत होता है लेकिन हम लोग जैसे जो आवाज बुलंद है वो लोग कभी भी चुप नहीं रहेगा सीधा सा बात है ना और मंत्रीगण और जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर भी है मुख्यमंत्री जो पेमा कान्डो अभी आपने बताया दिल्ली में है वहां पे भी तो मिल सकता है ए ऐसी टीम को बुलाया कर बुलाया जा सकता है चलिए तो डिस्कस करते हैं आप लोग का इशू क्या है है कि नहीं वो वहां पे भी बोल सकता है अब दिल्ली जा सकता है ए ऐसी टीम को नहीं मिलेगा ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा वहाँ किरण सार भी है तब तो आप लोग वहां मिलिए ना बात कीजिए सामना सामने सम, सामने में बात कीजिए कि आप लोग का एलिगेशन क्या है हम पे क्या नाराजगी है है कि नहीं अब नाराजगी तो कभी भी नहीं हो देता होगा बेचारा ना लेकिन जो भी है डॉक्यूमेंट बात करता है और डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं आवाज़ उठाएगा बहुत लोग बोल रहा था उस दिन हमको भी बोल रहा था आ, किसी का एक व्यक्ति है जिसको हम लोग एक्चुअली मीडिया में बोलना भी नहीं चाहिए इट विल भी you know, एक तो चिप लगेगा बट देन ऐसे मिसचिवियस वाला कैरेक्टर लोगों का भी, लोग भी होता है ना जो सोशल मीडिया में बोलता है कि सीएम कांडू जो है ये ए सी को डिफेमेशन सूट देना चाहिए है कि नहीं हम बोलता है कि देखिए ऐसे ज़ुबान ये ये फिसला हुआ जुबान नहीं है ये असली का भी बोला वाला है ऐसे जुबान जुबान जुबानी ऐसे बात मत कीजिए क्योंकि ये गलत हो जाएगा इफ सामबीज यू नो स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू है कि नहीं यू कैन नॉट हेल्प हिम देन प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम हम ये बोलते हैं आप अगर किसी को मदद नहीं कर सकते ए ऐसी टीम क्या ए एसी टीम तो को शल को खाना खाने नहीं मिला इसलिए वो दिल्ली गया है क्या ए ऐसी पूरा मेंबर लोग दिल्ली जाने का मतलब क्या उसको सब्जी नहीं मिल रहा था खाना नहीं मिल रहा था ऐसे था क्या नहीं उसका घर में सब चीज होगा लेकिन भी वो आम जनता का आवाज को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली में गया है ना अब उसको ट्रोल करेगा कैसे लगेगा इट विल बी यू नो रिडिकुलस इफ यू आर यू नो स्टार्ट ट्रोलिंग Somebody संबधी वॉइस अगेंस्ट द करप्शन आपको लगता है कि नहीं हमको अगर हो सकता है, है नहीं? जैसे कि अभी एपीसी लीकेज का उसमें क्या विक्टिम्स हम लोग सर्वे किया ए सी सर्वे क्या कोई भी को, हम लोग सर्वे क्या सब लोग है सारा समाज को नुकसान होता है ऐसे में सो so,

साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम दिल्ली तो नहीं जा पाए लेकिन हम कोशिश करेंगे वहां से हम कोशिश करते ही आए हैं हमारा जो अरुणाचल टीम लगाता है लगातार हम 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 के जो 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 मीडिया पर्सन उनसे मदद लेकर हम आप, 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 हमारे जो चैनल है हम आप पे दे, है पे अपडेट कर रहे हैं दिल्ली दिल्ली जो आपका जो, का बात है ना अब नहीं जा पा रहे देखो हम लोग का यहाँ मीडिया का बेचारे इनकम भी कुछ भी नहीं होता है ना और ये सब का वजह होता है इसलिए पब्लिक आप लोग भी मत बोल दो कि किसी को कि दिल्ली में क्यों नहीं जाता है ये सब मत बोल दीजिए नहीं जा अरे फ्लाइट का दाम इतना नौ दस हजार होता है कहाँ से जाएगा है कि नहीं ये 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 ऐसे मीडिया को इस प्रकार का ट्रोल भी मार्ट कर दो जो मीडिया वहाँ है वो सफिशियंट है कि नहीं एक्चुअली वहाँ में नेशनल मीडिया का एंट्री होना चाहिए लेकिन वो नहीं हुआ लोकल मीडिया तो अपना जगह में रह के भी तो जो भी कुछ कर रहा है कर रहा है कि नहीं मीडिया इज वेंटिलेटर टू यू पीपल एंड मीडिया इज कवरिंग फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली वो तो क्या इशू है कहीं से भी कवर करो कवर करने से हो गया अपना बात रखो अगर आप लोग बाद में भी कुछ विचार है है कि नहीं कुछ बात है जो ए ए सी के लिए बोलना चाहता है तो अपना फेसबुक पर्सनल पेज से भी करो है कि न मीडिया को भी बुला के कर सकता है लेकिन और हम लोग का यहाँ का तो मीडिया बहुत अच्छा है तो हाई फाई चार्ज भी नहीं है चार्ज भी नहीं कर देता है अब इन दो दूसरा जगह का मेन लाइन का मीडिया को देखने से तो बाप रे नेशनल न्यूज चैनल को तो हमको ऐसे सुनाई दिया कि वहाँ को तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा नहीं आता है तो उसी प्रकार हम लोग विक्टिम्स हैं

कहते हैं कि स्टेट का नाम आप गिरा रहे हैं जब जब वो पैदल मार्च शुरू किया था तो हमारा ये कहना है अभी वो दिल्ली में रहकर सेंट्रल जो कंट्री के राजधानी में रहकर कैपिटल में रहकर चार दिन लगातार उनके तरफ से धरना किया जा रहा है तो आप सोचिए वो अभी मुद्दा सिर्फ स्टेट का नहीं हुआ अभी पूरे देश भर का हो गया तो आपका भी अभी समय आ चुका है कि आप आगे अगर आपको आपके तरफ से कोई गलती नहीं किया गया तो आप भी आगे आकर आपका स्टेटमेंट रखें आप प्रूफ दिखाइए तो बस हमारा यही कहना है और हम लगातार इस टीम के जो न्यूज है उसे फॉलोअप करते रहेंगे और जनता को कोर्ट जाने के लिए मत कही प्लीज ये बयान आप लोग सब विद्रोह करो और आज से हम कभी सुनना भी नहीं चाहेंगे हम सिर्फ नहीं सारा जनता ये बात से कफा है और ये बात प्लीज मत बोलिएगा आज जोर के बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल वाला स्टेटमेंट दीजिए गैर जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी मत दीजिए थैंक यू वेरी मच